हमने 3,000 रुपए का लंच किया इंटरनेट के फेमस शेफ नमक शमक के रेस्टोरेंट में। नमक शमक, नमक शमक डाल देते हैं। गाइस क्या आप जानते हैं हमारे सबके चहीते नमक शमक शेफ का असली नाम तो है हरपाल सिंह सोखी, और उनका यही नाम आपका इस नोएडा की कारीगरी रेस्टोरेंट में भी वेलकम करेगा। एंड भाई जो भी बोलो, जब भी आप एक इतने बड़े सेलिब्रिटी शेफ के रेस्टोरेंट आते हो तो डेफिनेटली हर चीज को लेकर आपकी उम्मीदें बहुत बढ़ जाती है। तो चलो देखते हैं कि शेफ हरपाल का ये रेस्टोरेंट क्या हमारी उम्मीदों पर खरा उतर पाता है। अब रेस्टोरेंट घुसते ही पहली नजर पड़ी इनके इस बहुत ही लाविश और रॉयल इंटीरियर पर। भाई ये जगह सच में वाइब रही थी कि आप किसी सेलिब्रिटी के यहाँ आए हो, और चीजों की बारीकी तो देखो कि यहाँ के झूमर भी चम्मचों से बने थे। वाह भाई मजा आ गया। मतलब मैं शेफ कुणाल कपूर, शेफ संजीव कपूर के रेस्टोरेंट भी हो आया, पर ऐसी बातचीत मुझे कहीं और देखने को नहीं मिली। अब हमने बिना और समय बर्बाद करे ऑर्डर करी मेन्यू की कुछ सबसे अनोखी चीजें। इनमें से तो कुछ का नाम भी मैं पहली बार सुन रहा था, जैसे बेला चमेली शरबत, ब्लूबेरी माचा लस्सी, बनारसी दीनानाथ की टमाटर चाट, क्रिस्पी पालक पत्ता चाट, चिकन सज्जी, हैदराबादी गोश्त बिरयानी, मिर्च का हलवा और सुहागरात वाली खीर। लॉल भाई इनका मेन्यू पढ़ के तो ऐसा लग रहा था कि पूरे इंडिया के फ्लेवर्स आपको एक ही जगह पर परोसे जा रहे हो, एंड कुछ डिशेस तो इनफैक्ट बॉर्डर के पार की भी थी। वैसे आपके टेबल पर आपको इनका सिग्नेचर नमक शमक भी मिलेगा, जो इनके मुताबिक पाकिस्तान की बूढ़ी बेबे बनाया करती थी ब्लैक पेपर, रॉक सॉल्ट और ब्लैक सॉल्ट को साथ मिलाकर। लगे हाथों आप मुझे बताओ कि आप शेफ हरपाल को खाना खजाना के फर्स्ट एपिसोड से जानते हो, इनके पॉपुलर शो टर्बन तड़का से जानते हो, या इनकी यूट्यूब वीडियो से जानते हो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ये यहाँ पर इनकी बुक्स भी रखी हुई हैं, मेबी इन्होंने ही लिखी है ये बुक। ये इनकी बेसिकली रेसिपी बुक्स है क्या? ये सर की बायोग्राफी है या दिस इज रेसिपी बुक? मैनेजमेंट स्टाइल है, स्पाइस ऑफ योर मैनेजमेंट स्टाइल है। अच्छा अच्छा, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस लिखा हुआ है। अब कुछ ही देर के इंतजार के बाद खाना टेबल पर आना शुरू हो गया। इन सब का टेस्ट कैसा था चलो बताता हूँ। दिस इज कॉल्ड बेला चमेली। इसको पुराने जमाने में बीकानेर के राजा पीते थे। ओह माय गॉड, दिस इज लाइक अ रॉयल नींबू पानी, वेरी यूजुअल नींबू पानी, बट एक ऐसा एसेंस है इसके अंदर जो कि बहुत ही प्रीमियम और बहुत ही रॉयल आपको टेस्ट दे रहा है। पहली बार मैं ट्राई कर रहा हूँ ब्लूबेरी फ्लेवर्ड लस्सी। ओह माय गॉड, दिस इज लाइक पुराने जमाने की, कृष्ण के जमाने की लस्सी और मॉडर्न जमाने का ब्लूबेरी, दोनों को फ्यूजन, बहुत बहुत ब्यूटीफुल। ओह माय गॉड, अभी तक तो मजा आया, आगे खाना कैसा होता है चलो देखें। फिर आई टेबल पर पाकिस्तान की एक सिग्नेचर डिश चिकन सज्जी। कौन कौन इस डिश से वाकिफ है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इस डिश के अंदर बेसिकली पाकिस्तानी स्टाइल तंदूरी चिकन होता है विद कुल्चा ब्रेड, ऑल्सो ये डिश आपको मिलती है विद बटर। ओहो, वेरी इंटरेस्टिंग। हाँ, कमाल। अगली डिश थी चित करारे, जिसकी स्टोरी मैं आपको खुद सुनाता हूँ। तो शेफ हरपाल सिंह के रेस्टोरेंट की जो अगली डिश है जिसका नाम है चित करारे, उसकी स्टोरी देखो बेसिकली तो पाकिस्तान से 30 किलोमीटर दूर वहाँ पर एक जने हैं, सिर्फ यही चित करारे नाम की डिश बेचते हैं, जो कि अपने कस्टमर से पूछते हैं कि 100 मिले कि 1000 मिले, मतलब आपको इसमें कितनी स्पाइसीनेस चाहिए। किस किस ने भाई ये डिश खाई है मुझे जरूर बताना। एंड एक और कमाल की बात ये थी कि ये सारी चीजें आपको वही ऑथेंटिक तरीके से दोनों में परोसी जा रही थी। ये फ्राइड आलू है, सबसे ज्यादा जो पंच है ना वो तीखे वाले में। अब हम बढ़े इनकी सिग्नेचर हैदराबादी गोश्त बिरयानी की तरफ। आपको क्या लगा? चम्मच से खा के मैं पाप करूंगा। मोर देन एवरेज, बट मेरी मटन बिरयानी इतनी प्रेफरेंस नहीं रहती, बट दिस गुड। भाई कसम से बता रहा हूँ, शायद संजीव कपूर जी, कुणाल कपूर जी इनसे बड़े शेफ होंगे, लेकिन शेफ हरपाल ने आज अपने इस कमाल के खाने के साथ कसम से मजा बांध दिया। आज तो मैं भाई इनका फैन हो गया था। आप में से भी कौन कौन इनका फैन है मुझे जरूर बताना। चलो अब टेस्ट करते हैं आज के दिन की आखिरी आइटम्स, जो थी ये मिर्च का हलवा, जिसे एक्चुअल मिर्च को धीमी आंच पर पकाकर बनाया जाता है। टेस्ट जो है वो गाजर के हलवे से काफी मेल खाता है, बड़े मिर्ची का है ये, आपको आफ्टर टेस्ट में समझ में आ जाएगा। और आई ये सुहागरात वाली खीर, मेरे घूंघट हटाना पड़ेगा, देन आई कैन स्टार्ट द रोमांस। अगर आपका कोई नॉटी दोस्त अगर इस खीर में इंटरेस्टेड हो तो उसे इस वीडियो में जरूर टैग कर लो। मैंने बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें खा ली, उसके बाद कहीं ना कहीं इससे मेरी एक्सपेक्टेशन थोड़ी ज्यादा थी, पर ओवरऑल भाई मुझे सारी चीजें बहुत ज्यादा पसंद आई हैं। ये सब खाने के बाद हमारा बिल बना था 3,000 रुपए का, और पहली बार मैं कहूंगा कि आज ये खाना पैसा वसूल रहा। और इस रेस्टोरेंट को आई विल लाइक टू गिव इट अ गुड 4 out of 5, बहुत बढ़िया जगह है, आपको डेफिनेटली विजिट करनी चाहिए। इतने सारे सेलिब्रिटी रेस्टोरेंट के आम गए भाई, वो मजा नहीं आया जो यहाँ पर आया। बाकी थैंक यू वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय। अब कैमरा बंद कर हम आते हैं।